डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ईडू एस शाइन। दिस इज़ योर मैथ्स एक्टिविटी वीडियो एंड योर टॉपिक इज शेप्स। आपको ट्रेन ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ शेप्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यहाँ पर कौन सी शेप्स आपको दिख रही हैं? ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। आपको सभी शेप्स को लेना है और आपको ट्रेन ड्रॉ करनी है। ओके स्टूडेंट, और आप ट्रेन ड्रॉ करने के बाद, यहाँ पर मैंने आपको ट्रेन ड्रॉ करके दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी। आपको ट्रेन ड्रॉ करने के बाद कलर करना है ट्रेन्स में, ठीक है? ट्रेन में कलर करना है आपको विद योर फेवरेट कलर, ठीक है? ओके, स्टार्ट कलरिंग। ओके बेटा, ये आपका ट्रेन इंजन जिसको मैंने आप कलर कर दिया है। बेटा, यहाँ पर मैंने सभी शेप्स के नेम भी लिखे हैं, ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ओके बेटा, बेटा इसे ही आप शेप्स की हेल्प से बहुत से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ एक और बनाया है, हट। बेटा, आप हट भी शेप्स की हेल्प से बना सकते हैं और आप इसको भी ट्रेन इंजन की तरह अच्छे से कलर कर सकते हैं। जैसे बेटा, मैंने यहाँ पर टॉप, हट का टॉप ड्रॉ किया है, वो कौन सी शेप में है? ट्राइंगल, ठीक है बेटा? जब आप हट बनाएंगे तो आप जो ऊपर से बनाते हैं टॉप, ये ट्राइंगल शेप का होता है, ठीक है? ऐसे ही बेटा आपको हट को ड्रॉ करना है, पूरे हट को विद द हेल्प ऑफ शेप्स। फर्स्ट आपका आपने बना दिया है ट्राइंगल, अब सेकंड शेप कौन सी बनती है हट में? सेकंड शेप है आपकी स्क्वायर। ये आपका क्या बना रहे हैं आप? हट। और बेटा, थर्ड बनाएंगे हम गेट, ठीक है? गेट किस शेप में बनाते हैं ये मैं आपको बताऊँगी अभी गेट बनाकर, ठीक है बेटा? ओके बेटा, यहाँ पर मैंने गेट बनाया है। गेट आप किस शेप का बनाते हैं? रेक्टेंगल। ओके, ये आपकी हट है जो आपने बनाई है, ठीक है? ये फर्स्ट टॉप पे जो आपने बनाया ट्राइंगल, सेकंड स्क्वायर, थर्ड रेक्टेंगल। और बेटा, आप यहाँ पर विंडो भी बना सकते हैं स्क्वायर शेप में, ठीक है? और बेटा, आप इसको ड्रॉ करके आप इसको अच्छे से कलर करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने ट्रेन इंजन बनाया था और उसको अच्छे से कलर किया था शेप की हेल्प से, मैंने यहाँ पर ट्रेन इंजन बनाया है। वैसे ही यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि आप शेप्स की हेल्प से हट भी बना सकते हैं, और बेटा आप उसको ऐसे बनाकर अच्छे से उसको कलर करेंगे, ठीक है? Sunshine Academy students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Children, today we will make a house with matchstick. Okay, we need a plain paper, pencil, gum bottle, matchsticks, and some colors. Okay. चिल्ड्रंस, हम यहाँ पर एक प्लेन पेपर लेंगे एंड उस पर एक हाउस ड्रॉ कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर्स में आपको शो हो रहा है। मैंने एक हाउस ड्रॉ किया है एंड देन मैंने यहाँ पर एक ट्री भी ड्रॉ किया है। अब मैंने जो हाउस ड्रॉ किया था उस पर मैंने गम की हेल्प से वो ये मैच स्टिक्स उस पर पेस्ट कर दी हैं, जैसे कि आपको नेक्स्ट पिक्चर में शो हो रहा है। मैंने यहाँ पर सारे में मैच स्टिक लगा दी है और मैंने जब वो सूख गई हैं तब मैंने उस पर अपने फेवरेट कलर कर दिए हैं। ऐसे ही चिल्ड्रंस, आपको भी हाउस ड्रॉ करना है, ओके? प्लेन पेपर लेके जब वो सूख जाए आप उस पर अपना फेवरेट कलर कर सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट है, एंड आप उसके आसपास उसके कुछ ट्रीज बना सकते हैं, ओके? तो चिल्ड्रंस, आई होप आप सबको ये हाउस अच्छा लगा होगा और आप सब भी इस हाउस को जरूर ट्राई करेंगे। डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर हिंदी एक्टिविटी एंड योर टॉपिक इज विलोम शब्द। बेटा, आपको यहाँ पर फोर विलोम शब्द दिए गए हैं, ठीक है? फर्स्ट है आपका लड़का, सेकंड अंदर, थर्ड छोटा, फोर्थ गोरा।
अब बेटा हिंदी एक्टिविटी को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर पिक्चर भी पेस्ट की गई है, और ये जो पिक्चर बेटा यहाँ पर पेस्ट की गई है ये आपकी बुक्स और न्यूज़पेपर से कटिंग करके पेस्ट की गई है। बेटा जब भी आप हिंदी एक्टिविटी बनाएंगे विलोम शब्द की और आप उसको पिक्चर पेस्ट करेंगे तो आप अपनी पुरानी बुक्स और वेस्टेड न्यूज़पेपर से पेपर फोटोज़ कटिंग करेंगे और उसको पेस्ट करेंगे, ठीक है बेटा। और अगर किसी स्टूडेंट को ड्रॉ करनी है पिक्चर्स तो वो ड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको लड़का दिया है तो लड़की की फ़ोटो पेस्ट की गई है, लड़की है तो लड़की की फ़ोटो पेस्ट की गई है, ठीक है। ओके बेटा, अभी हम यहाँ पे रिवाइज करते हैं आपके फोर विलोम शब्द। लड़का, लड़की, अंदर, बाहर, छोटा, बड़ा, गोरा, काला, ठीक है बेटा। ये आपके फोर विलोम शब्द दिए गए हैं। बेटा ज़रूरी नहीं है कि आप ये फोर ही विलोम शब्द करें, आपको इससे अदर कोई भी विलोम शब्द करना है तो आप वो विलोम शब्द भी कर सकते हैं, और ऐसे ही उनकी भी आप फ़ोटो पेस्ट कर सकते हैं, या आपको ड्रॉ करना है फ़ोटो को तो आप पिक्चर ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इस बार आपको स्कूल की तरफ से इंग्लिश में आर्टिकल की एक्टिविटी दी जा रही है। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू मेक आर्टिकल एक्टिविटी। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको एक चार्ट पेपर एंड सम क्राफ्ट पेपर्स की जरूरत है, ओके। तो इसमें मैंने अपने प्रोजेक्ट को थ्री बर्ड के थ्रू शो किया है। आप ऐसे ही आप भी इसको प्रिपेयर करेंगे। ये बर्ड्स का फेस बनाने के लिए आपको थ्री क्राफ्ट पेपर लेने हैं। थ्री क्राफ्ट पेपर को एक साथ में लेके आपको इस पर एक बैंगल की हेल्प से एक सर्किल ड्रॉ करना है। सर्किल को ड्रॉ करने के बाद आपको इसको हेल्प ऑफ सीजर की हेल्प से इसको इस शेप को कट कर देंगे। थ्री पेपर्स को एक साथ में रख के, ये थ्री पेपर्स आपको इसलिए साथ में रखने क्योंकि हम ये क्राफ्ट पेपर जो है वो छोटे होते हैं, इसलिए हमें थ्री पेपर्स को कट करके हमें ऐसे सर्किल शेप बनानी है। सर्किल शेप को बनाने के बाद हम इसको अपने चार्ट पेपर पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में हमें जो हमारा एक्सेस क्राफ्ट पेपर बचेगा उस पर हमें बर्ड की आई को ड्रॉ करना है। तो बर्ड की आई ड्रॉ करने के लिए हम एक एक्सेस पेपर को लेंगे और इसको डबल ट्रिपल फोल्ड करके इस पर एक छोटा सर्किल ड्रॉ करेंगे, ओके। छोटा सर्किल ड्रॉ करने के बाद हम इसको भी सीजर की हेल्प से कट कर देंगे। कट करने के बाद हमें बर्डी की आई इस शेप में मिलेगी, सर्किल शेप में। हमें इसको वाइट साइड से इस पर बर्डी की आई ड्रॉ करेंगे, के बाद इसको इस सर्किल के ऊपर पेस्ट कर देंगे, ओके स्टूडेंट्स। पेस्ट करने के बाद अब हमें बर्डी की बीक बनानी है। बीक को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक क्राफ्ट पेपर और लेंगे, इसको सेंटर में से फोल्ड करने के बाद एक और बार फोल्ड करेंगे एंड बर्डी की बीक बनाएंगे। एक छोटा सा कर्व जरूर डालना। कर्व डालने के बाद बीक बना ड्रॉ करेंगे एंड देन इसको हेल्प ऑफ सीजर कट कर देंगे। कट करने के बाद हमें इस शेप में बर्डी की बीक मिलेगी, तो बीक को भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हमारा बर्डी का फ्रंट साइड।
अब बर्डी के बैक साइड को बनाने के लिए हम एक टू डिफरेंट कलर के क्राफ्ट पेपर लेंगे। टू डिफरेंट कलर के क्राफ्ट पेपर लेने के बाद हम इसमें हम इनको फोल्ड करेंगे। ओके, 5 to 6 टाइम हम इसको फोल्ड कर देंगे। हमें पतले पतले स्ट्रिप्स में फोल्ड करना है। ओके, देन हम इसको फिर से कट करेंगे। कट करने के बाद हमें ऐसे स्ट्रिप्स मिलेंगी। ये स्ट्रिप्स थोड़ी लंबी है तो हम इनको कट करके थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कट करके हम इसको छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद हमें टू डिफरेंट कलर में लेना है, जैसे मैंने लिया है टू डिफरेंट कलर में। तो इसको 3 स्ट्रिप्स पेस्ट करेंगे। ओके, और बीच में कोई डिफरेंट कलर आप पेस्ट करना है। ये हमारी बर्डी प्रिपेयर हो गई। बर्डी को प्रिपेयर करने के बाद, बिकॉज मैंने यहाँ पर ब्लैक चार्ट पेपर लिया है, तो मैं इसमें यहाँ पर वाइटनर का यूज करूँगी। व्हाइटनर से मैं यहाँ पर लाइनें ड्रॉ करूँगी और उसको डेकोरेट कर दूँगी। ओके, अगर आप किसी अदर कलर का चार्ट पेपर ले रहे हैं तो आप ब्लैक मार्कर यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने ब्लैक चार्ट पेपर लिया तो मैं मार्कर यूज़ कर रही हूँ। अब लाइन हम तीनों बर्डी में ड्रॉ कर देंगे। हमने तीन बर्डी इसलिए बनाई क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 आर्टिकल हैं। यहाँ पर हम आर्टिकल नेम्स ड्रॉ कर देंगे, आर्टिकल ए, आर्टिकल एन एंड आर्टिकल द। ये हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो आर्टिकल ए को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक और चार्ट पेपर लेते हैं। हमें 3 डिफरेंट चार्ट पेपर लेने हैं। अगेन 3 डिफरेंट चार्ट पेपर लेंगे, उसके बाद इनको एक साथ रखकर एक कर्व ड्रॉ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक हाफ सर्किल और कर्व ड्रॉ करने के बाद हमें इसको भी हेल्प ऑफ सीजर कट कर लेना है। हेल्प ऑफ सीजर इसको कट कर लेंगे तो हमें 3 शेप कर्व शेप क्राफ्ट पेपर मिलेगा। इस क्राफ्ट पेपर को, इस हाफ सर्किल क्राफ्ट पेपर को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में हमने एक और क्राफ्ट पेपर लेना है। उस क्राफ्ट पेपर को हमें 2 टाइम फोल्ड करना है, 1 and 2। 2 टाइम फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद इसमें अगेन हम छोटे छोटे कर्व शेप ड्रॉ करेंगे। 1, 2 and 3। 3 कर्व शेप ड्रॉ करने के बाद हम इसको भी कट कर देंगे। कट करने के बाद स्टूडेंट्स हमें ये वाली कर्व शेप मिलेगी। ऐसी कर्व शेप मिलने के बाद हमें 2 यहाँ पर पेस्ट करनी है, 2 आर्टिकल ए पर पेस्ट करनी है एंड 3 इसके बॉटम में पेस्ट करनी है। ओके, ऐसे 2 आर्टिकल एन में पेस्ट करनी है, 3 कर्व शेप क्राफ्ट पेपर हमें बॉटम में पेस्ट करनी है। सेम थिंग ऐसे इसमें भी आप कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जब हम ये सब पेस्ट कर लेंगे, जब आप यहाँ पर एक बड़ा कर्व शेप में पेस्ट कर लोगे, देन उसके छोटे छोटे कर्व शेप में क्राफ्ट पेपर को कट करके पेस्ट करोगे, तो अब हमें क्या करना है, आर्टिकल्स को एक्सप्लेन और डिस्क्राइब करना है। एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब, एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक और क्राफ्ट पेपर लेंगे वाइट कलर का। वाइट कलर का क्राफ्ट पेपर लेने के बाद हमने ऐसे क्लाउड की शेप बनानी है। क्लाउड की शेप बनाने के बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इसको भी क्लाउड शेप में सीजर से कट कर लेंगे। हमें 2 ऐसे क्लाउड चाहिए, तो आर्टिकल लिख लेंगे। देन हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि आर्टिकल क्या होते हैं। तो व्हाट आर आर्टिकल, एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नेम। आर्टिकल वो होते हैं जो किसी नेम से पहले हम उनको जिनका यूज करते हैं, वो आर्टिकल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम इस तीनों बर्डी में इनके नेम ऐड कर देने, ए एन एंड द। इसके बाद हम
आर्टिकल ए को डिस्क्राइब करेंगे। तो जो हमने छोटे वाले कर्व क्राफ्ट पेपर कट किए थे वहाँ पर हमने लिखना है बॉय। आप कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन उसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ओके, पहले हम आर्टिकल ए को डिस्क्राइब करेंगे ये बड़े वाले कर्व शेप क्राफ्ट पेपर पर। तो यहाँ पर है ए इज यूज बिफोर अ वर्ड दैट हैज फर्स्ट लेटर अ कॉन्सोनेंट साउंड। ए यूज होता है जहाँ पर किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, जैसे बॉय में बी कॉन्सोनेंट है, पेन में पी कॉन्सोनेंट है, कार में सी कॉन्सोनेंट है, बैट में बी कॉन्सोनेंट है, डॉग में डी कॉन्सोनेंट है। तो अ बॉय, अ पेन, अ कार एंड अ बैट एंड अ डॉग। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर एन को डिस्क्राइब करेंगे। ये जो हमने छोटे कर्व शेप के क्राफ्ट पेपर यहाँ पे पेस्ट किए थे इसमें हम लिखेंगे एन आंट एंड एन एग और आर्टिकल एन को यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। एन इज यूज बिफोर अ वर्ड दैट हैज फर्स्ट लेटर अ वॉवल साउंड। एन का यूज कब होता है? एन का यूज तब होता है जब हमारे पास जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर वॉवल साउंड कर रहा हो, एज दैट एंट। एंट में ए जो फर्स्ट लेटर है वो वॉवल है, आई में ई फर्स्ट लेटर वॉवल है, तो इसीलिए हम यहाँ पर एन का यूज करते हैं। नेक्स्ट टर्न इज द, तो दा को भी हमें सेम इसी तरह से एक्सप्लेन करना है। तो द इज यूज बिफोर अ स्पेसिफिक पर्सन प्लेस और थिंग एंड एनिमल। द का यूज कब किया जाता है? जब हम किसी पर्सन किसी प्लेस थिंग और एनिमल का नेम लेते हैं तो उससे पहले हमें द लगाना पड़ता है, एज द सन द मून द काउ द फ्लैग एंड द विंड। तो हमें यहाँ पर इन सब के नाम लेने से पहले हमें द का यूज करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको यहाँ पर मैंने और इजीली बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ शेप्स को कट करके यहाँ पे पेस्ट किया है। तो जैसे डॉग है तो जो फर्स्ट लेटर होता है वो डी होता है, डी जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डॉग की इमेज बना के उसे कट करके यहाँ पे पेस्ट किया है फॉर अ एग्जाम्पल। अब हम मैंने ऐसी एप्पल की इमेज बनाई है क्योंकि एप्पल का ए जो होता है वो वॉवल होता है, और इसीलिए वॉवल का एग्जाम्पल देने के लिए मैंने एन एप्पल, तो एप्पल को इमेज बनाकर कट करके यहाँ पेस्ट किया है। सेम ऐसी मैंने सन से पहले हमें द आर्टिकल यूज करना होता है, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने सन की इमेज को कट करके यहाँ पे पेस्ट किया है। स्टूडेंट्स आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। आपके लिए ये जो आर्टिकल प्रोजेक्ट है ये ऑप्शनल है, ये सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल देने के लिए प्रिपेयर किया है ताकि आप इससे देखकर अपना आर्टिकल प्रोजेक्ट तैयार कर सके। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपके माइंड में इससे भी अच्छा आइडिया आता है आर्टिकल के लिए तो आप इससे अच्छा आर्टिकल बना सकते हैं।